नमस्कार फार्म भाइयों। दोस्तों आज का वीडियो F1 की फीमेल की डिलीवरी का वीडियो है। डिलीवरी के वक्त आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कौन सी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ जो फार्म भाई इंडियन पिक फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं, अब वो कैसी फार्मिंग कर रहे हैं, उनके वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो में बने रहें, धन्यवाद। नमस्कार फार्म भाइयों, मैं अरुण कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ जूंडला नरखड़ी रोड डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में। दोस्तों आज की वीडियो एक F1 फीमेल की डिलीवरी पर है। कल रात को 3 बजे हमारे फार्म पर एक फीमेल ने डिलीवरी को किया है। उसने 13 हेल्थी बेबी पिगलेट्स को जन्म दिया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बच्चों ने अपनी लाइफ सर्कल को शुरू कर दिया है, सभी बच्चे स्वस्थ है। वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जनवरी 2024 का ट्रेनिंग सेशन भी समाप्त हो चुका है। इसकी वीडियो भी अब आपके सामने एक एक करके हम यूट्यूब के माध्यम से दिखाने शुरू करेंगे। भविष्य में बहुत ही जल्दी ये वीडियो आप देख पाएंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके साथ साथ जो फार्म भाई इंडियन पिक फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं, अभी अपनी फार्मिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने भी कुछ वीडियो हमारे साथ शेयर की है, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे किस तरह से वो अपनी लाइफ सर्कल को यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद अपनी पिगरी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने पिक फार्मिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, बुलंदियों को छूने की तरफ अग्रसर है। दोस्तों बहुत से फार्म भाई गलत भ्रांति या गलत संदेश फार्म भाइयों तक पहुंचाते हैं कि पिग फार्मिंग से कमाई लाखों रुपए करोड़ों रुपए। दोस्तों इतना आसान नहीं है, आप ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए। पिग फार्मिंग से लाखों करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लाखों करोड़ों रुपया उसमें इन्वेस्ट भी करना होता है। तो जिस तरह की इन्वेस्टमेंट आप पिगरी में करोगे, रिटर्न भी उसी के हिसाब से आएगा। आप अपने दिमाग में ये बातें बिल्कुल ना रखें कि मैं 2 फीमेल रखे, 4 फीमेल रखे, लखपति करोड़पति बन जाऊंगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिग फार्मिंग में आप जैसा इन्वेस्ट करोगे वैसा ही रिटर्न आपको मिलेगा। इसके साथ साथ पिग फार्मिंग में आपको अत्यधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी। हाथ पे पका पकाए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके आप पिगरी से पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आपका समय बिल्कुल व्यर्थ ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो में। 2-3 तरह के टॉपिक्स हैं, पूरी वीडियो को आप अवश्य देखें। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को दबा लें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए सभी फार्म भाई को नमस्कार, धन्यवाद, जय। नमस्कार फार्म भाइयों, मैं अरुण कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ जूंडला नरखड़ी रोड डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में। दोस्तों अभी जो आप ये फीमेल देख पा रहे हैं, अभी इस फीमेल की डिलीवरी शुरू हुई है। लगभग 1 घंटे पहले इसने एक हेल्थी बेबी पिगलेट को जन्म दे दिया है, लेकिन काफी समय इंतजार करते हुए हमें हो चुका है। अब फीमेल को हम मेडिसिन रिलीज करेंगे। एर्कोवेट की मेडिसिन के साथ फीमेल के यूट्रस का माउथ लूज होगा और डिलीवरी होने में आसानी होगी। तो इसके साथ हम एनिमल को एक डोज देंगे एर्गोवेट की, जिससे कि फीमेल की बच्चेदानी खुलेगी, फीमेल का यूट्रस माउथ खुलेगा और डिलीवरी होने में आसानी होगी। दोस्तों अभी रात के 3 बजे हुए हैं, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोगों के बहकावे में ना आए। पिग फार्मिंग बिल्कुल आसान नहीं है। जैसा कि आपको और व्यक्ति बता देते हैं कि पिग फार्मिंग में है लाखों की कमाई, आप भी पिग फार्मिंग कीजिए। पिग फार्मिंग में कमाई है, प्रॉफिट है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पिग फार्मिंग से इनकम जनरेट होगी। आपको अपनी रातों की नींद छोड़नी पड़ेगी, आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट मिले हैं। दोस्तों बहुत से फार्मर कह देते हैं कि डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप डिलीवरी हो जाएगी, जंगलों में कौन डिलीवरी कराता है। यह बात बिल्कुल सही है, जंगलों में कौन डिलीवरी कराता है, नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी फीमेल के पास हो गए तो आप एक हेल्थी एटमोसफेयर के अंदर एनिमल की डिलीवरी करा सकते हो। एनिमल को किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन है, किसी तरह की समस्या है, तो आप उसमें उसकी हेल्प कर सकते हो। जंगलों में तो कोई मेडिसिन देने जाएगा नहीं, या जंगलों में जो जानवर पैदा होते हैं उनकी प्रोडक्शन आपके मन मुताबिक नहीं होती है। अगर आपको एक कंट्रोल्ड फार्मिंग करनी है तो उसमें आपका पास होना बहुत आवश्यक है। एनिमल के पास अगर आप होगे तो एनिमल की हेल्प कर पाओगे। जैसे कि अभी आप ये फीमेल देख पा रहे हो, अभी ये फीमेल नेस्टिंग कर रही है। नेस्टिंग मतलब फीमेल अपने बच्चों के लिए एक घोंसला, एक घर बनाने की कोशिश कर रही है।
ताकि वो आराम से डिलीवर कर सके। तो अभी फीमेल को हम एर्गोवेट इंजेक्शन की डोज देने जा रहे हैं ताकि फीमेल आराम से आगे की डिलीवरी को पूरा कर सके। देखिए फीमेल ने बैठना शुरू कर दिया है, तो ये अच्छे संकेत है, अच्छे साइन है डिलीवरी के लिए। अभी फीमेल को एक एर्गोवेट का शेड भी हम लगाएंगे। ये देखिए फीमेल बिल्कुल आराम से लेट गई है। अभी फीमेल और बच्चे भी देगी, जिसका सीधा प्रसारण हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। आप वीडियो में बने रहे, धन्यवाद। दोस्तों आपका आपके एनिमल के साथ होना, आपके एनिमल के साथ एक हेल्थी रिलेशन होना फीमेल के लिए भी लाभदायक है और आपके लिए भी लाभदायक है। आप ऐसे कंडीशंस में अपनी फीमेल के पास रहेंगे तो फीमेल एग्रेसिव नहीं होगी, फीमेल आपके रहने से अनकंफर्टेबल नहीं होगी। इसलिए अगर आपका एक हेल्थी रिलेशन है आपके एनिमल के साथ तो उसको ज्यादा परेशानी नहीं है और आप इजिली उसका डिलीवरी पीरियड पूरा करा सकते हो, आराम से उसकी डिलीवरी करा सकते हो। ये देखिए फीमेल नेस्टिंग कर रही है, बहुत ही अच्छे संकेत है, बड़े ही आराम से डिलीवरी आएगी। इस फीमेल की सेकंड डिलीवरी है, देखते हैं कैसा रिजल्ट रहेगा। वीडियो में बने रहे, धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए डालते रहते हैं। रात के 3 बजे का समय है, लेकिन आप अपनी फीमेल को अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर आपको अच्छे परिणाम चाहिए, फीमेल के नीचे बच्चे दबके ना मरे, फीमेल एग्रेसिव हो जाए तो कई बार फीमेल अपने बच्चों को भी काट लेती है, ऐसे कंडीशंस आपकी फीमेल के साथ ना आए। इसलिए अगर आप डिलीवरी के वक्त साथ में होंगे फीमेल के तो आप फीमेल की हेल्प कर पाएंगे और अच्छी डिलीवरी ले पाएंगे, धन्यवाद। ये देखिए फार्म भाइयों, F1 की ये सेकेंड डिलीवरी है और फीमेल ने 13 हेल्थी बच्चों को डिलीवर्ड किया है। सभी बच्चे स्वस्थ हैं, एक्टिव हैं, अपनी लाइफ सर्कल को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल पी रहे हैं। बहुत ही सफल डिलीवरी रही। नमस्ते सभी फार्मर भाइयों को। आज एक फीमेल ने हेल्दी पिगलेट को जन्म दिए हैं, ये देखिए। और अभी तक 8 बच्चे डिलीवर हो चुके हैं और जैसा कि सर ने सिखाया था, इसे एंटीबायोटिक का शॉट दिया था इसकी डिलीवरी से 24 आवर्स पहले, और सभी बच्चे हेल्दी है, आप देख सकते हैं। और अरुण सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, सर ने जैसा सिखाया था सेफ डिलीवरी हो चुकी है अभी फीमेल की, 8 हेल्दी पिगलेट को जन्म दे चुकी है फीमेल, ये देखिए सर, धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों, एक हेल्थी बेबी पिगलेट जन्म ले रहा है। दोस्तों इंडियन पिग फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर पर आपको डिलीवरी से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं, प्रैक्टिकली सेशन कराया जाता है, कौन सी मेडिसिन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, किस तरह से आप एक सेफ डिलीवरी ले सकते हो, इसके विषय में पूरी जानकारी फार्म भाइयों को उपलब्ध कराई जाती है, सेशंस कराए जाते हैं। दोस्तों बहुत से फार्म भाई कहते हैं कि बच्चा अपने आप पैदा हो जाएगा, अपने आप प्लेसेंटा को हटा लेगा, अपने आप दूध पे चला जाएगा। लेकिन दोस्तों आप अपनी फीमेल के पास होंगे डिलीवरी के वक्त तो बच्चे के मुंह से प्लेसेंटा को साफ कर सकते हैं, नाक से प्लेसेंटा को साफ करते हैं। बच्चा जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन ले पाता है अपने लाइफ सर्कल को शुरू करने के लिए। जल्दी ही आप उसको कोलेस्ट्रॉल पे लगा सकते हैं ताकि वो माँ का पहला दूध अच्छी तरह से ले सके और अपनी लाइफ सर्कल को शुरू कर सके। इसलिए दोस्तों डिलीवरी के समय आपका होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे बेवकूफ़ लोगों की बातों में आप ना आए। डिलीवरी के वक्त अपनी फीमेल के पास रहें और अच्छे परिणाम प्राप्त करें, जिससे कि आपको पिग फार्मिंग में अच्छा फ़ायदा मिले।